पहले चरण की वोटिंग के दौरान बीजेपी के पोलिंग एजेंट की मौत की खबर मिल रही है। नवादा में हार्ट अटैक से बीजेपी पोलिंग एजेंट की मौत हो गई है। सासाराम में मतदान के दौरान ये घटना सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ये दुखद खबर, बीजेपी के पोलिंग एजेंट की मौत, दुखद खबर इस वक्त की मिल रही है। और अब ये 6 तस्वीरें चुनाव के अलग अलग रंगों से जुड़ी हुई भी आप इस वक्त देख लीजिए। बुजुर्ग से लेकर के जवान, हर कोई बड़ी संख्या में घरों के बाहर निकल रहा है और वोट कास्ट कर रहा है। पालीगंज, मोकामा, सासाराम, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, आपको बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए दिखाई दे जाएंगे। और हर तस्वीर में आप देखिए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी दिखाई देगी, मतलब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हर जगह आम जनता कर रही है। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को घर पर ही वोट देने की सुविधा मिलेगी, लेकिन आरा के एक मतदान केंद्र पर कुछ बुजुर्ग खुद चल करके वोट डालने पहुंचे क्योंकि प्रशासन की तरफ से बैलेट वोट का इंतजाम नहीं किया गया था। इन परेशान बुजुर्गों से जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने बात की है, सुनिए किस तरह से वो अपना दुख साझा कर रहे हैं। कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि जो भी 80 साल से उम्र के ज्यादा के लोग होंगे उनको बैलेट यानी घर पे वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। लोग गया ही नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे घर में कोई नहीं गया, बहुत लोग कोशिश किए कि लोग आ जाए, चल नहीं हो रहा है। हम लोग इनको भी चला नहीं जा रहा, फिर भी हम लोग आए हैं किसी तरह से, मोटरसाइकिल से लड़का लेकर के आया है। क्योंकि वोटिंग आपका अधिकार है, एकदम अधिकार है, उसे देना ही चाहिए, सबको देना चाहिए, बिना दिए हम लोग रहते ही नहीं है। क्या नाम है और कितनी उम्र है? रंगनाथ सिंह। उम्र कितनी है आपकी? 80 वर्ष हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से जो इंजाम है उसका एक और उदाहरण देखते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 81 वर्ष। घर पे तो गया होगा कोई पूछने के लिए? कोई नहीं गया। आपको तो चलने में दिक्कत हो रही है, आने बहुत दिक्कत है। तो ये देखिए स्थिति है, लोगों में नाराजगी है, जिस तरह से तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से, जो वोट जिनको डालना चाहिए तो वोट डालना चाहते हैं, तबीयत खराब होते हुए वोट डालने आए, लेकिन घर पे जिनको नहीं ला पाएंगे उनके लिए प्रशासन से इंतजाम की अपील की जा रही है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, आरा। तो ये देखिए एक दुखद तस्वीर ये भी नजर आज आई है। माधुरी का भी रुख कर लेते हैं, पाटलिपुत्र स्टूडियो से माधुरी बनी हुई है। माधुरी, देखिए एक तरफ तो हम तारीफ कर रहे हैं चुनाव आयोग की, कोरोना काल में भी पीठ हमें थपथपानी चाहिए, किस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया, ये फैसला लेना ही बहुत बड़ी बात थी। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए दावे तो बहुत किए गए थे, अब ये 80 साल के बुजुर्ग पहुंचे हैं पोलिंग के साथ साथ आप देखिए बहुत अच्छे इंतजाम है, बहुत अच्छे इंतजाम भी है, बहुत अच्छे इंतजाम है कि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर संख्या में थर्मामीटर्स दिए गए हैं, मास्क अवेलेबल कराए गए हैं। लेकिन जो बात जैसे अभी रवि जी की आप रिपोर्ट देख पा रहे थे लगातार कि कैसे वहां बुजुर्ग लोग खुद पहुंच रहे हैं, हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। और इस बात पर भी जोर देना होगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें क्या 5 साल का काम लोग देख रहे हैं या जो रिसेंट वाले मुद्दे हैं जो अभी अभी जो हाल फिलहाल में भुने जाते हैं क्या उन पर ज्यादा जोर है। मेरे साथ यहां प्रेम कुमार जी बने हुए हैं, बहुत यहां अनुभवी नेता हैं और इस बार आपका टिकट नहीं आपको मिल पाया। प्रेम जी, प्रेम रंजन जी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रेम रंजन जी, अगर हम 5 साल की बात करें तो इस आपको क्या लग रहा है, वोट देने जब लोग जा रहे होंगे, आप लोग अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, इस बार क्या आपके 5 साल, पिछले 5 साल, 15 तो छोड़ दीजिए, मैं तो 5 ही पे आ जाती हूँ, 5 साल का काम याद रखेंगे या फिर जो हाल फिलहाल में हो रही घटनाएं जो तात्कालिक तौर पर आप कह रहे हैं कि साजिशन जो इस तरह की आपके आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है, क्या याद रहता है लोगों को? देखिए बिहार की जनता बहुत समझदार है और वो जब वोट करती है तो बहुत सोच समझ कर करती है, बिहार के हित के लिए करती है, बिहार के विकास के लिए करती है, बिहार की प्रगति के लिए करता है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।